तस्वीर का पहलू है राजस्थान क्या तैयार है, और राजस्थान की तैयारी में ब्यूरोक्रेसी का बड़ा रोल है, और आज आने वाले हर कारोबारी ने इस बात का जिक्र किया। इसी बात से मेरे ख्याल से बात शुरू की जानी चाहिए। जयसिंह कोठारी साहब, सबसे पहले आपका रुख कर रहा हूँ, अब आपसे समझना चाह रहे हैं राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को लेकर जो भी बातें सामने आ रही है, आपको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी का वो रोल होगा जो निवेश को लाने के बाद, क्योंकि सरकार का काम था निवेश लेके आ गए लेकिन उसे जमीन पर उतारा जाए, आज तक निशाना सरकारों पर रहा है लेकिन ब्यूरोक्रेसी छूट जाती, क्या ब्यूरोक्रेसी को इसमें छोड़ा जाएगा? नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इसकी पूरे जितने इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल आए हैं उसकी मॉनिटरिंग के लिए एक कमेटी सरकार को बनानी चाहिए, वो पूरे यही काम करे कि जितने प्रपोजल आए हैं उसमें कहाँ ब्यूरोक्रेसी की हर्डल है, उस हर्डल को कैसे सुधारा जाए, कैसे उसको गो थ्रू किया जाए। इस तरीके के कई हमारे कानून हैं, जैसे रिको का एक कानून आपको बताऊँ कि वो हमारी GDP का 57% योगदान उसमें सर्विस इंडस्ट्री का है, और वो अभी भी रिको में ये है कि वो कौन सी जगह उनकी इंडस्ट्री में कॉमर्शियल है, कौन सी एक्टिविटी इंडस्ट्रियल है। इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल का मतलब आप बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, इंडस्ट्रियल का मतलब आप कम कमा रहे हो, सर्विस इंडस्ट्री वहाँ से गायब है। तो इस तरीके के उनके पुराने जो बाबा आदम के जमाने के कानून है उनको बदला जाना चाहिए, और अब मेन होना चाहिए रोजगार। सरकार कह रही बहुत कुछ बदल दिया, रोजगार कौन दे रहा है, कानून बदल दिए, रोजगार इज द मेन, नहीं बदले अभी तक, वही कानून है, वही लाल किताब है, उसी को निकाल के वो कहते हैं ये तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए एक मॉनिटरिंग कमेटी बननी चाहिए और छोटे मोटे ऐसे जो इश्यूज है उनको वो सॉर्ट आउट, ये जो छोटे हर्डल से इनको दूर किया जाना चाहिए, तब जाके निवेश सार्थक हो सकता है। दो कॉलर्स के बाद अगले मेहमान का रुख करूंगा, कृष्णा कोरानी जयपुर से और खालिद कुरैशी बीकानेर से हमारे साथ है। कृष्णा जी, आपकी राय। परीक साहब नमस्कार। जी सर। परीक साहब, मेरा एक सवाल रहेगा आपके चैनल के माध्यम से, और शायद मैं BJP के मनीष जी इनसे भी इन्हीं से पूछूंगा। जी मनीष जी, शायद आपको पता होगा कांग्रेस की गवर्नमेंट थी दिल्ली के अंदर, जब शायद ये विदेशी कंपनी कांग्रेस गवर्नमेंट ला रही थी, नंबर एक। उस टाइम ये आप ही की पार्टी ने इस चीज को खिलाफत से उतर गई, साहब ये विदेशी कंपनी अगर इंडिया में आ जाती है तो इंडिया की हालत खराब हो जाएगी, और आपने आज ये प्रोजेक्ट रखा है कि आज हम यहां आपका इशारा FDI की ओर है, फिलहाल देशी जो है निवेशक यहाँ आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये मसला कहीं अलग चला गया। शुक्रिया बहरहाल आपका। खालिद साहब सर नमस्कार। नमस्कार सर। देश को या प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए जो भी काम किया गया उसमें विपक्षी दल रुकावट न पैदा करे, वो भले BJP हो या कांग्रेस, सब सहयोग से आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। राजेश कोठारी साहब, लाल फीताशाही यहाँ पर सबसे बड़ा हडल सामने आता है, क्या लगता है कि राजस्थान में फिलहाल ये तकलीफ है और लंबी चलने वाली, इसका समाधान का दावा किया जा रहा है लेकिन ऐसा है नहीं? अश्विनी जी, सरकार को ये समझ में आना चाहिए कि मौके बार बार नहीं मिलते हैं जी। एक बार निवेशक आ गया है, अगर डिलीवर नहीं करा हमने तो वो वापस लौट के नहीं आने वाला है। दूसरी बात जो मैं बहुत पुरजोर तरीके से कहना चाहता हूँ, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि किसी हर ब्यूरोक्रेट्स की अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर दी जाए? क्या परफॉर्मेंस उसकी ACR का हिस्सा नहीं बन सकता? क्या वो राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह क्यों नहीं होता वो? लेकिन एक सवाल बीच में उठा था बार बार तबादलों वाला, तो ऐसे में परफॉर्मेंस कैसे तय हो? मैं वही कह रहा हूं आपसे, सरकार को तय करना पड़ेगा कि अगर सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी काम कर रहा है, जहां निवेश की संभावना है उसकी कंटिन्यूटी, उसे कमिटमेंट और उसे कम्युनिकेशन का क्या? सो दैट गवर्नमेंट हैज टू इंश्योर कि लुक, दिस जेंटलमैन हु इज इन चार्ज ऑफ दिस पॉलिसी फ्रेमवर्क शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इम्प्लीमेंटेशन एंड शैल बी इक्वली अकाउंटेबल, तो हमें परफॉर्मेंस मिल जाएगी। नहीं नहीं, अन्यथा मॉनिटरिंग कमेटी में सरकार के लोग कम हो, बाहर के लोग ज्यादा ले हो। नहीं, 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 सर वो मॉनिटरिंग कमेटी मत बनाइए, कमेटी का हर्ष हम देख चुके होते हैं, हम ये चाहते हैं लेट मी वर्क एज CEO, वो भी लाल फीताशाही की भेंट चढ़ जाएगा। मुझे 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 इस वर्टिकल का हेड बनाइए। मनीष जी, ऐसा क्यों है सरकार पर, हालांकि ब्यूरोक्रेसी पर लगाम की बात आज लोग कर रहे थे लेकिन इस बात का भरोसा नहीं, कम से कम जानकार इस बात को मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी कंट्रोलिंग में नहीं है, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि बार बार निवेशक को बेआबरू होकर लौटना पड़ता है। पुराने एक्सपीरियंस ऐसे कहते हैं इसलिए लोग कहेंगे ये सही बात है, लेकिन बेटरमेंट की गुंजाइश बहुत ज्यादा बढ़ गई है, मेक इन इंडिया। इस बार भी भरोसा नहीं दिला पा रहे हैं आप इस बात का, सवाल इस बात का है यहाँ बैठे मेहमानों में से कितनों को आप राजी कर लेंगे इस बात पे कि राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी आने वाले निवेश को लेकर, जो MOUs है उनको लेकर काम करेगी पुख्ता तरीके से? अब वो संभावनाएं हैं, चूंकि अब मैंने आपको बताया संभावनाएं निश्चित नहीं है,
और निश्चित तौर पर जिस तरह कमिटमेंट के साथ संभावना है, निश्चितता है, आप बता दीजिए, निश्चितता ही है और विजन कमिटमेंट जिस लेवल का है उसी लेवल पे वो भी होगा। और जब सरकार को, अधिकारियों को पता चलेगा कि सरकार की मेन प्रायोरिटी औद्योगिक विकास हो गया है तो वो उसके प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, एक बात। दूसरी बात, जो निवेशकों की सुविधा की बातें हैं उसकी पॉलिसी तक तो गवर्नमेंट को सलाह देने का काम भी उनका होता है, तो वो उन चीजों को उसी समय इनकॉर्पोरेट कर लेंगे जो प्रैक्टिकल लेवल पर परफॉर्मेंस परसेंटेज देंगे। आपका रुख करूंगा गिया साहब, लाल फीताशाही के बीच में सिंगल विंडो सिस्टम को लेकर सबसे बड़ी तकलीफ है, आ गया राजस्थान में, इंप्लीमेंट किए जाने की बात हर सरकार करती आई है, गहलोत सरकार के राज में भी ऐसा हुआ और अब वसुंधरा राजे सरकार भी हर बजट में इसकी बात करती है, लेकिन आपको लगता है कि सिंगल विंडो सिस्टम इम्प्लीमेंट हो पाया है? देखिए, अब तक का जो एक्सपीरियंस है, यदि सिंगल विंडो एक्ट अपना प्रैक्टिकली इफेक्टिव हो जाता तो अपने को काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ जाता। सरकार को अब ये चाहिए कि जो भी अपन पॉलिसी बना रहे हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो, प्रॉपर मॉनिटरिंग हो, जैसे कि कोठारी साहब, जैसे कि अपने जयसिंह कोठारी साहब ने भी कहा, और कमिटी की जगह मैं चाहता हूँ कि ये सब चीज़ ट्रांसपेरेंट हो, जनता को इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि क्या एग्रीमेंट एमओयूज हुए हैं और वो हर पीरियड में उसका पब्लिक में आना चाहिए कि भाई इसमें से इतने इम्प्लीमेंट हो गए, इतना इसमें प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज़ जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ब्यूरोक्रेसी की जो ट्रांसफर्स होते हैं वो बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, वो एक पॉलिसी के तहत ऐसा होना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स को काम करने के लिए भी अपन को रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। अभी आप 6 महीने साल भर किसी ब्यूरोक्रेट को रखोगे, उसको तुरंत ट्रांसफर कर दोगे तो कहाँ से काम कर पाएगा? अपन केवल ब्यूरोक्रेसी को रेस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते, इसके लिए अपने को सिस्टम भी सुधारना पड़ेगा। तीसरी चीज़ ये है कि अभी जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि एमएसएमई सेक्टर को, ठीक है गवर्नमेंट ने पॉलिसी जरूर अनाउंस करी है, बट एमएसएमई सेक्टर जो कि सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है, कल बात भी होगी एक अलग से सेशन, बड़ा अलग सेशन है, लेकिन एमएसएमई सेक्टर को भी अपने को इम्पोर्टेंस देनी है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है कि ये इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन सब स्टेट कर रहे हैं, बट मेरा ये मानना है कि ये एक प्रोसेस, एक कंटिन्यूस बाकियों से अलग कैसे होगा? वो इसलिए तब तक नहीं होगा जब तक अपन प्रोग्राम जो कर रहे हैं वो अलग से नहीं हो। लाइक अभी अपन ने एक जनरल इन्वेस्टर्स को बुलाया है, मेरा थोड़ा सजेशन ये है कि अपन को स्पेसिफिक इंडस्ट्री वाइज ये रेगुलर वे में होने चाहिए, लाइक आईटी से रिलेटेड आपने प्रोग्राम कर लिया, ये प्रक्रिया सतत होनी चाहिए। राजेश कोठारी साहब, आप इत्तेफाक नहीं रखेंगे? नहीं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ सर। निश्चित रूप से आप निवेशकों को बुलाइए, पर अब हालत क्या हो रहा है, घर का जोगी जोगना आन गांव के से, हमारे जो इस माटी के सपुत्र हैं वो शायद नजर नहीं आ रहे मेरे को। अगर आप उन्हीं को ले आइए, उनका 10% में ले आइए, तो हमारी अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन आ सकता है। एमएसएमई को ऐड किया जा सकता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। उससे पहले ब्यूरोक्रेसी को लेकर बात हो रही थी, अर्चना जी आपकी भी राय जानना चाहूंगा, क्या लगता है तस्वीर किस तरफ है? देखिए अश्विनी जी, इस डिस्कशन में बहुत सारी चीजें निकल गई। मैं उस बात का जिक्र इसलिए करना चाहता हूँ कि अरुण जेटली ने अपने भाषण के दौरान कहा था 2008 में जब अशोक गहलोत को सत्ता सौंपी 21,000 करोड़ का कर्जा था बिजली कंपनियों पर, आज 72,000 करोड़ से ऊपर, यही सबसे बड़ा 90,000 करोड़ पहुंच चुका है। मुख्य अतिथि के रूप में आए, उनसे उम्मीद की जा रही थी कम से कम अपने भाषण में उस वस्तु स्थिति को, उस वास्तविकता को रखते, जिससे कि वो उद्योगपति जो सब कुछ जानता है, जिसे परसेप्शन बनाने की आवश्यकता नहीं उसके मानस में, वो परसेप्शन बनाने का, निगेटिव परसेप्शन बनाने का काम किया। वही वेंकैया नायडू ने किया कि हम सहिष्णु देश, उन्होंने कहा हर बार कहा कि वसुंधरा राजे सरकार ने बेहतर किया, गहलोत सरकार आई फिर ड्रॉप कर गई। मैं यही कह रही हूँ कि वो कहते हैं कि वसुंधरा राजे जब 2003 में आई तो बीमारू से बाहर ले आई, और वही प्रधानमंत्री अभी आए तो कहते हैं वसुंधरा राजे अब आई तो फिर बीमारू से बाहर ले जाएंगे। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि पूर्ववर्ती समय जो कुछ हुआ सब बेकार था? यही मैं कहना चाहती हूँ, विजन की क्लैरिटी नहीं है, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट है, सही कह रहे हैं घिया साहब, इसे इस कॉम्पिटिशन में कूदना है, ये इनके इन प्रकार है। सबसे बड़ी बात जो आज सबके दिमाग में और मानस में तो है, वो बात है, मेरी बात साहब ने भी तो कहा, नहीं नहीं कंपटीशन हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन कंपटीशन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मारकाट के लिए आप सारी चीजें जो पीछे होनी चाहिए, जो कंपटीशन में आपको सक्सेस रेट आपकी सुनिश्चित करती है उस पर आपका ध्यान नहीं। ब्यूरोक्रेसी में सबसे ज्यादा लोअर ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसपेरेंसी, अब ट्रांसपेरेंसी और नहीं अकाउंटेबिलिटी सर हायर उस पर आएगी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी का क्या करिए? जब मनीष जी कहते हैं कि पहले की बात थी, पहले की बात कैसे कहेंगे? सबसे बड़ा ब्यूरोक्रेट तो संभावना है अच्छा होगा, निश्चिंता है बेहतर होगी। मेरी बात सुनिए, माइनिंग गेट कांड ऐसा है जिसमें वसुंधरा राजे सरकार की ब्यूरोक्रेसी की कलाई खोल के रखी, पकड़ा है। मनीष जी मेरी बात सुनिए, लेकिन क्या प्रक्रिया सेमिनार था सस्टेनेबल माइनिंग मैनेजमेंट को लेकर, पूरी बात होने दीजिए, ये आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, यहाँ बात ये कि वो विश्वास कैसे पैदा हो। मूडीज कहती है, मनीष जी
माहौल कैसे बनता है कि वो प्रधानमंत्री जो इन्वेस्टमेंट को अपनी नीति बना करके चल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री क्यों दूरी बनाए हुए राजस्थान, रिसर्जेंट राजस्थान के साथ अपने शासित राज्य में क्यों नहीं आना चाहते, वो उनके नहीं आने से 50% माहौल खराब हुआ, अविश्वास पैदा हुआ। अब मानती पहल अच्छी है और अच्छे नतीजे आते हैं, पहल तो ठीक है, इन्वेस्टर आएगा तो राजस्थान को फायदा पहुंचेगा, लेकिन आपकी पॉलिसी क्या है, आपका कोऑर्डिनेशन, पीएम नहीं आए 50% तो बेहतर हो रहा है, नहीं हो रहा कहाँ है, होगा तब बात करेंगे, आज तो आप देखिए सबसे बड़ी बात देखिए ये सीआईआई के बैठे हैं रिप्रेजेंटेटिव, मुझे ये बताइए कि आज ट्रांसपेरेंसी कहाँ है, कौन सा एमओयू हुआ, कौन सी वेबसाइट पर जाकर देखे आज राजस्थान का नागरिक कौन सा एमओयू हुआ, और जहां पर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, जहां पर डीपीआर, सचिन पायलट ने भी कहा श्वेत पत्र जारी किया जाना चाहिए, प्रचार कर रही है तो ट्रांसपेरेंसी। चलिए दो कॉलर है, दो कॉलर से उनका रुख करूंगा मैं, अर्चना जी लौटूंगा आपके पास में, दिनेश जी सीकर से और राजेंद्र जैन अजमेर से हमारे साथ जुड़े हैं, दिनेश जी नमस्कार बताइए। जी नमस्कार, रिसर्जेंट राजस्थान के नाम पर भाजपा कार्यक्रम कर रही है, उद्योगपतियों को बुला रही है जी, और एमओयू साइन करके जमीन ये दे देंगे, उससे पहले फेज के नाम के ऊपर जो जमीन दी थी उसका कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, किसानों के पास पैसे दिए वो खर्च हो गए, खत्म हो गए, प्रेजेंट किसानों का खराब है, अर्जेंट अगर किसानों को ये सरकार कोई लाभ नहीं पहुंचा पाई तो जनता और किसान मजदूर ने डिटर्जेंट तैयार कर रखा है, इसके सारे सपने धूमिल कर देगा इस प्रकार। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं जरूर बात करूंगा आपके इस रुख पर बात करूंगा, फिलहाल राजेंद्र जी बताइए। आप सबको नमस्कार सर। जी सर नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रात आया राजस्थान, मेरा देश है महान, इसके अंदर जो है सबका सहयोग चाहिए, और साथ में जो है मतलब पूरी आशा हो रखते साथ सबका सहयोग मिलेगा ऐसा विश्वास है। चलिए छोटे सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे जनपद के कार्यक्रम के साथ, फिलहाल एक ब्रेक, देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज पर।